अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है आप? ठीक ठाक हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। मुदस्सर साहब, सरकारी ऑफिसर किस तरह से बने? आपका ताल्लुक किस इलाके से है? कुछ इब्तदाई तौर पे किस तरह से तालीम हासिल की, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं बेसिकली सरगोधा से मेरा ताल्लुक है और वहीं से बेसिक एजुकेशन वहीं से ली। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के बाद PTCL में रहा, बड़ा ब्रीफ स्पार्को में रहा एक महीना, फिर PTCL में रहा और फिर ऑब्वियसली कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया और मैं यहाँ पर आया सर्विस के अंदर। 2004 से मैं सर्विस के अंदर हूँ और मुख्तलिफ इलाकों में रहे। फिर मैं स्टार्ट किया था कोहाट से सर्विस को, कोहाट से फिर एबटाबाद, वज़ीरिस्तान और फिर मुल्तान में रहा काफ़ी अर्सा। फिर मैं बाहर ऑस्ट्रेलिया पढ़ने चला गया 2015 के अंदर, ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप के ऊपर। अच्छा, स्कॉलरशिप पे आपने तालीम? जी जी, ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप पे गया, वहाँ से अपना मास्टर्स किया फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से एंड पब्लिक पॉलिसी, और वहाँ से वापस आके फिर दोबारा सर्विस, फिर मुख्तलिफ अज़ला में रहा, जंग में रहा, मुल्तान में दोबारा रहा, डेरा गाजी खान में एज़ कमिश्नर मैंने काम किया और अब उसके बाद अब लाहौर में। अच्छा, जो आपने मुकाबले का इम्तिहान पास किया वो बड़ा मुश्किल होता है, बड़े कम लोग होते हैं जो उसको इसमें कामयाब होते हैं, तो ये आपने कैसे सोचा कि आप मुकाबले का इम्तिहान जो है वो देंगे और कामयाबी होगी आपको? देखिए, बेसिकली तो उसके पीछे वो स्पिरिट यही थी कि एक तुम देखते थे अपने इर्द गिर्द लोगों को के ब्यूरोक्रेसी को, फिर सिविल सर्विस जो है ना वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, आप पब्लिक की सर्विस कर सकें, वो एक फ्रेंकली बिल्कुल जज्बा था दिल के अंदर के जो आम लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए किस लेवल पे क्या किया जा सकता है। तो उसके तहत ये बड़े अरसे से मेरे जहन में था कि मैंने मुकाबले का इम्तहान देना है, उसी स्पिरिट से हमने ये इम्तहान दिया था और उसके बाद चल सो चल है। तो जो स्कॉलरशिप आपको मिली बाहर पढ़ने के लिए आप गए, तो ये भी मेरा ख्याल बहुत कम खुश नसीब लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस लेवल जी बहुत कंपेटिटिव होता है वो स्कॉलरशिप, ऑफसेट स्कॉलरशिप जो है। और मैं पहले दो दफ़ा मैं बल्कि सिलेक्ट नहीं हो सका ड्यू टू सर्टन रीजंस, और तीसरे चांस के अंदर फिर मुझे वो स्कॉलरशिप मिला। सो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, वहाँ से मैंने मुझे मौका मिला वहाँ पढ़ने का, देखने का और एक्सपीरियंस हासिल करने का, और उसमें से कई एक्सपीरियंसेस मैंने वापस आकर ट्राई भी किए अपने मुल्क के अंदर और उससे बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए। मैं मुख्तलिफ जर्नल्स के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर उसके बारे में लिखा भी गया। इवन अभी जो ऑफसेट जो स्कॉलरशिप है उसमें फिर पिछले 3-4 साल से मैं उनके पैनल पे भी हूँ जिसमें हम स्कॉलरशिप इंटरव्यू करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो जिस शोबे में आप हैं डायरेक्टली आवाम के साथ भी आप लोगों का इंट्रोडक्शन होता है, रابطہ रहता है, तो क्या कोई ऐसा जज्बा भी था कि जो पब्लिक सर्विस के लोग होते हैं जो पब्लिक के साथ लोगों का रابطہ वास्ता रहता है, तो कुछ ऐसा अज़म था आपके अंदर? जी बिल्कुल, हमारे आपको पता है सर्विस में डायरेक्ट इंटरेक्शन है आम लोगों के साथ और आम लोगों की रेंज इतनी बड़ी है कि एक गरीब से लेकर अमीर से अमीर आदमी और हर सोसाइटी के अंदर हर किस्म का जो शख्स है उससे आपने मिलना है, उसका मसले सुनने हैं, उन मसलों को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। सो पहला तो ये होता है कि आपने उससे मिलना ज़रूरी है, जो एक बैरियर है उसको ख़त्म करना है। उसी वजह से मैंने ऑफिस के दरवाजे मेरे खुले होते हैं कि किसी को पूछ के आना नहीं पड़ता, किसी को चिट दे के आनी नहीं पड़ती, कोई बंदा भी किसी टाइम भी एंटर हो सकता है, तो मैं वो बैरियर पे भी यकीन नहीं करता, ताकि पहला जो इंटरेक्शन है वो एक आम शख्स का वो आपके साथ डायरेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो गरीब आदमी है उसके लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करनी पड़ती है जिसका कोई रेफरेंस नहीं होता। तो मेरा ये पॉलिसी भी यही है और मेरा इस पे ईमान है कि जो जिसका रेफरेंस नहीं है, जो किसी रेफरेंस से नहीं आया एक आम आदमी, उसका रेफरेंस डिप्टी कमिश्नर खुद होना चाहिए। तो उसी के तहत मैं फिर कोशिश करता हूँ कि
ऑब्वियसली मसले का हल तो मैं यकीन नहीं कर सकता कि उसमें पेचीदगी भी हो सकती है लीगल, लेकिन कोशिश पूरी कर की जाती है कि उसका मदावा किया जा सके। जो अवामी मसाइल के हल हैं उसके लिए हुकूमती पॉलिसी कितना अहम किरदार अदा करती है? बहुत अहम है जी। हुकूमती पॉलिसी ये सेट करती है बेसिकली आपकी डायरेक्शन के अवामी मसले को समझना और उसके बारे में सलूशन देना। तो ये पॉलिसी का काम यही है कि आप क्या सलूशन प्रोवाइड, एक प्रॉब्लम के अगेंस्ट सलूशन है एक पॉलिसी। तो अगर पॉलिसी आपकी इफेक्टिव है तो आपके पास सलूशन इफेक्टिवली वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो इसके दो हिस्से हैं, एक पॉलिसी मेकिंग है, एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है। पॉलिसी मेकिंग ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेवल पर होती है, इम्प्लीमेंटेशन फिर नीचे जो गवर्नमेंट मशीनरी उसको करनी पड़ती है। तो दोनों का अपना रोल है, मेरे ख्याल बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आमिर साहब, हुकूमती नुमाइंदा होने की हैसियत से डीसी लाहौर मुदस्सर साहब जो हैं, इनकी कारकर्दगी को, इनके काम को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ लाहौर की ये खासी खुशकिस्मती है कि मुदस्सर मलिक साहब लाहौर के डीसी हैं। हमारे मुल्तान में ये डीसी भी रहे हैं और ADCG भी रहे हैं। मुल्तान में भी इन्होंने बहुत काम किए और मुल्तान के लोग इनको याद करते हैं। लाहौर मुल्तान से कई गुना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और पंजाब का कैपिटल है, और यहाँ तो डीसी लाहौर की जिम्मेदारी 24 घंटे की है। लेकिन जो फीडबैक शहरियों से मिलता है, लोगों से मिलता है, खासे एक्टिव हैं और जो मसाइल हैं उनको काबू करने में दिन रात काम कर रहे हैं। अब बड़ा चैलेंज हमारे लिए, ज़िले की हुकूमतों के लिए और हमारी हुकूमत के लिए, वह महंगाई को कंट्रोल करना है। यानी कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमें अपोजिशन से या PDM से कोई थ्रेट नहीं है। हमारी अपोजिशन महंगाई का वो तूफान है, वो जिन है जो बोतल से निकला हुआ है और उसको और बेकाबू हुआ है। वो बहुत बड़ा टास्क है ज़िला हुकूमतों का, और DC लाहौर साहब से भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि कोशिश करें। प्राइम मिनिस्टर साहब हफ्ते में 2 दफ़ा मीटिंग करते हैं प्राइस कंट्रोल पे, और दिन रात वो कोशिश है कि महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जाए, जो एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने देखा पिछले दिनों शुगर माफिया के खिलाफ FIA ने एक बड़ा क्रैक डाउन किया, और उनकी जो एक मोनोपोली थी वो खासी हद तक उसको ब्रेक किया। वो जो सट्टा कर लेते थे और फिर अपनी मर्जी का रेट जो है वो मार्केट में देते थे। तो ये बड़े बड़े काम हैं जो हुकूमत कर रही है, और उन माफियाज को जो है ना सिर्फ उनको फेस कर रही है बल्कि उनको ब्रेक करने में हुकूमती मशीनरी अपना एक किरदार अदा कर रही है। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे लिए बड़ा चैलेंज होगा कि हम जो रोज़मर्रा की एशियाए खुर्दोनोश है वो सस्ते और कंट्रोल रेट पे अवाम तक पहुँचाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुस्लिम कंट्री है। हम आपके देखने वालों की विसातत से मेरा ये पैगाम होगा उन लोगों से, ज़खीरा अंदोज़ों से, मुनाफा खोरों से, दुकानदारों से, बड़े बड़े होलसेलर से, कि रमज़ान के महीने में अगर आप दुनिया में जाएं, यूरोप या अमेरिका में, तो वहाँ जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उन पर सेलें लग जाती हैं, डिस्काउंट लग जाते हैं, जो मुसलमान मुल्क नहीं है, और कहते हैं कि रमज़ान ऑफर है, एक चीज़ लें उसके साथ दूसरी चीज़ फ्री है, आटा, बेसन, जूसेस, फ्रूट्स और खजूरें मुख्तलिफ किस्म की। कई जगह मैंने यूरोप और अमेरिका में रमज़ान में देखा है, लेकिन बदकिस्मती से जो मुसलमान मुल्क है और जो हम सब रोज़ा भी रखते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगाई का तूफ़ान हम रमज़ान में करते हैं। तो ये अलमी है, ये सोचना पड़ेगा। इसमें एक हुकूमत कुछ नहीं कर सकती जब तक सोसाइटी अवाम हुकूमत के साथ अपना तआवुन ना करें और ये कोशिश करें कि हम अपने हमसायों को, अपने गरीब लोगों को, अपने लोगों को जो चीज़ें खाने पीने की हैं वो कंट्रोल रेट पर दें। और मुनाफा खोरी और ज़खीरा अंदोज़ी, ये तो हमारे इस्लाम में भी इसकी इजाज़त नहीं है।
सर क्या रूटीन होती है, ब्रेकफास्ट किस तरह का करते हैं? लगता है बड़ा सादा सा ब्रेकफास्ट होता है आपका। ब्रेकफास्ट यूजली वैसे रिकमेंड तो ये है कि अच्छा ब्रेकफास्ट करना चाहिए, हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लंच उसे कम करना चाहिए लेकिन, और डिनर बहुत कम करना चाहिए। बहरहाल मेरा थोड़ा सा उल्टा चल रहा है और दिन को जो ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है वो जस्ट मैं एक एग लेता हूँ और साथ कप चाय, दैट्स इट। अच्छा, तो रूटीन क्या है, सुबह कितने बजे तैयार हो जाते हैं और क्या कुछ करते हुए ऑफिस के लिए निकलते हैं? लेकिन 9 बजे तक रेडी होना पड़ता है। ऑब्वियसली हमारा 24 आवर्स का काम है, रात का पता नहीं होता रात कब तक कॉल्स आती रहती हैं, कोई ना कोई मसला बना होता है, सुबह भी अर्ली मॉर्निंग में भी कोई ना कोई इशू चल रहा होता है। सो बाय 9 यूजली मैं रेडी हो जाता हूँ ऑफिस जाने के लिए। और फैमिली के साथ फिर टाइम कैसे दे पाते हैं, फैमिली को, बच्चों को? डिफ़िकल्ट होता है, बहुत टाइम निकालना पड़ता है ऑब्वियसली इस असाइनमेंट पे, स्पेशली लाहौर के अंदर, क्योंकि लाहौर की असाइनमेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है और हेक्टिक भी है। अच्छा, अब ब्रेकफास्ट का आप जिक्र कर रहे थे कि बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट करते हैं, तो क्या कुछ कुकिंग का खुद भी शौक रखते हैं? अगर मूड हो कभी खाना बनाने का तो घर वालों को खाना बना के खिलाते हैं? मैंने एक दफ़ा तजर्बा किया था लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुआ। और मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था, पढ़ने गया हुआ था, तो वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर, अब पहला दिन था जब हॉस्टल में थे, जब मास्टर्स करने गया था ड्यूरिंग सर्विस ही, तो उससे पहले मैक्सिमम एग बॉयल कर सकते हैं या चाय बना सकते हैं, तो उस दिन मैंने कुछ बनाने की कोशिश की लेकिन वो सही बन नहीं सका। फिर मैंने सोचा ये ना ही बनाए, फिर बाज़ार से ही एंड रेस्टोरेंट से ही लेकर, या जो स्टोर्स होते हैं ग्रॉसरी स्टोर्स, वहाँ से कुक्ड अशिया भी मिल जाती हैं, वो लेके फिर मैं बनाता रहा, खाता रहा। तो लाहौर में अगर आप हैं तो लाहौर के खाने तो आपको अच्छे लगते होंगे, क्या खाते हैं शौक? मुझे फ्रेंकली जो पुलाव है वो सबसे ज़्यादा पसंद है, और चिकन पुलाव, लेकिन आजकल थोड़ी सी मैंने उस पर जो पुलाव कार्बोहाइड्रेट्स हैं ऑब्वियसली रोटी और ये, उसको थोड़ा सा कम रखा हुआ है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है पुलाव। अच्छा सर, कोविड की वजह से जो पोलियो मुहिम का भी आपने आगाज़ किया हुआ है, तो कितनी मुश्किल और कितनी दुश्वारी है इसमें भी? ऑब्वियसली ये चैलेंज है, लेकिन पोलियो हमारी प्रायोरिटी है,
पोलियो के खिलाफ जो वायरस के खिलाफ जो कैंपेन है हमने उसको कामयाब बनाना है। सो उसकी कॉस्ट कुछ भी हो हमने इससे इंश्योर करना है कि हमारी पोलियो कैंपेन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चलती रहे। सो इसी वजह से हमने इवन कोविड वैक्सीनेशन सेंटर हमारे चल रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है हमारे ऊपर, ओवर स्ट्रेस स्टाफ है, लेकिन हम स्टिल उस स्टाफ को निकाल के हम पोलियो कैंपेन कर रहे हैं। आज तीसरा रोज़ है और आपको पता है कि हमने बड़ी एफर्ट की है पिछले 3-4 महीने, जिसकी वजह से पिछले 3 साल के अंदर पहली दफ़ा हमारे 3 जो एनवायरमेंटल सैंपल्स हैं वो नेगेटिव हो गए हैं 5 में से, जिसके अंदर गुलशन रावी भी शामिल है। और गुलशन रावी का सैंपल वो है जो सबसे हमारे लिए क्रिटिकल था और ये हमारे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है हमारे लिए। सो हमारी टीम 5,470 टीमें हैं, 11,500 लोग हैं ये निकले हुए हैं बाहर आज भी, और ये कल 2 दिन फिर कैचअप डेज है, तो हम इंशाल्लाह अपना टारगेट अचीव करेंगे जो कि 18 लाख से ऊपर का टारगेट है हमारा। आप खुद, हमने देखा कि आप मॉनिटर करते हैं और खुद भी बच्चों को करते हैं, आपने बुलाएं, तो क्या ये रोज़ाना की बुनियाद पे इसी तरह से चेकिंग आप करते हैं? डेली जी, मैं परसों भी फील्ड में था, कल भी फील्ड में था, आज भी फील्ड में हूँ, और पोलियो मैंने जैसा प्रायोरिटी है, सो हमने टीमों का हौसला ही बढ़ाना होता है, इनको मोटिवेट भी करना होता है, साथ साथ हमने चेकिंग भी करनी होती है सुपरविजन। रात को हमारी बड़ी एग्जॉस्टिव मीटिंग होती है जिसमें WHO यूनिसेफ के नुमाइंदगान भी मौजूद होते हैं, जो कि मॉनिटर्स हैं, एक्सटर्नल मॉनिटर्स, वो आते हैं, वो हमें बताते हैं कि कैंपेन कैसी थी, क्वालिटी ऑफ कैंपेन। सो हमने कोई घर छोड़ना नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आपके तवज्जो से, तमाम लोगों से, कि ये जो पोलियो का वायरस है ये 5 साल से कम बच्चों को इफेक्ट करता है, उनको अपाहज बना सकता है, तो प्लीज़ हर दफ़ा 2 कतरे जो हैं उनको पिलाएं। इसके ज़रिए आपके बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ उनका फ्यूचर महफूज हो जाएगा, बल्कि ये दूसरों को फैलाने का जो सबब बनता है ये वायरस, उनके ज़रिए वो भी उससे बचत हो जाएगी हमारी। अच्छा सर, मास्क आप तकसीम कर रहे हैं खासकर रोड्स पर, तो क्या रेशो है अब लोगों की, क्योंकि FIR भी दर्ज की जा रही है, मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, तो अब लोगों को इस बात का शऊर पैदा हुआ है कि मास्क ज़रूरी हो गया? देखिए, कोविड जो है ये इस तरह का जो स्ट्रेन है बहुत लीथल है और बुरी तरह मुतासर कर रही है। पॉजिटिविटी रेट आपको पता है 23 को टच कर गया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लिए हैं हमारे गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया मुख्तलिफ मेजर्स का। तो उसके बाद हमने अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं कोविड वायलेशंस के अगेंस्ट उसको एनहेंस कर दिया है और लॉकडाउन्स बढ़ा दिए हैं। हमने कल भी 38 एरियाज़ में एक्सपेंडेड लॉकडाउन्स किए हैं, पूरे DHA के पूरे फेज हम बंद कर रहे हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं वहाँ पर हम जाकर वायलेशंस चेक कर रहे हैं, जिस तरह हम ये डेली एक्टिविटी हमारी मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की, वायलेशंस के अगेंस्ट कार्रवाई करने की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये एहसास होना चाहिए इस चीज़ का कि कोविड जो है वो उसका जो टॉल है वो बढ़ता जा रहा है, और हमें यार इनको बुलाएं, जरा इन्हें मास्क नहीं पहना हुआ, बेटा इधर आए, आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, लेने जा रहे हैं, इधर दो मुझे वहाँ, मास्क के बगैर बाहर मूव नहीं करना आपने, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो टॉल है उसका इंक्रीज कर रहा है। डेथ्स जो है बड़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और पिछले 14 डेज में 11,000 पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। सो हमें निबटने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स करने पड़ रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपके तवज्जो से, लोगों से, कि प्लीज़ वॉयलेशंस ना करें, मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। मार्केट्स हम क्लोज़ करवा रहे हैं, आपको पता है 6 बजे हम बंद कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स हमने टोटली क्लोज़ कर दिए, सिर्फ टेक अवे वहाँ पर चल रहा है, एक्टिविटीज़ हमने कर्टेल कर दी हैं, और अगर ये ना रुका तो हम बिल्कुल शहर को मुकम्मल बंद करना पड़ेगा। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना को मानते ही नहीं हैं, वो कहते हैं कि मास्क भी लगाना ज़रूरी नहीं है और कोरोना है भी नहीं है, कैसे लोगों का भी सामना है? जी बिल्कुल, मैं 2-3 दिन पहले हम एक एक्टिविटी कर रहे थे, एक सामना हुआ है ऐसे शख्स का जिसको मास्क हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो कहता था मुझे ज़रूरत नहीं है मास्क की, कोविड एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो अब ऐसे लोगों को अगर ये सीरियसनेस का आलम होगा तो फिर ऑब्वियसली मसले होंगे, फिर गवर्नमेंट को स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने पड़ेंगे, जो कि हम अब ले रहे हैं।
और गवर्नमेंट की हिदायत, चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पेशली इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाई है, वो बिल्कुल नहीं चाहते, ना गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेसेस इफेक्ट हो, कारोबार चलता रहे, लेकिन कारोबार तभी चल सकता है जब इसका जो इफेक्ट है कोविड का कम से कम हो। हमने एक बैलेंस रखना है उसके अंदर लाजमन। हमारी पॉलिसी गवर्नमेंट की पहले भी ये रही है, बड़ी कामयाब पॉलिसी रही है, बिजनेसेस भी चलते रहे हैं, हम चाहते हैं बिजनेस चलते रहे लेकिन वॉयलेशंस ना हो, लोग हमारे साथ तावुन करेंगे तो इंशाल्लाह हम भी मुकम्मल तावुन करेंगे। ये फॉर्म है इसका, इस फॉर्म पे हमारा CNIC नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये फर्स्ट ये वाला फिगर, फिर स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग सेक्शन है नेक्स्ट, उस पर स्क्रीन करते हैं, फिर वैक्सीनेशन होती है और फिर नेक्स्ट ये लिखा होता है कि अभी 21 दिन के बाद दोबारा आपने आना है। तो ये लाइंस है हमारे पास, पांच हमारे पास लेन्स हैं, इन पांच लेन्स के अंदर तो ये अब ये एंटर होंगे अंदर, फॉर एग्जांपल ये इनकी स्क्रीनिंग हो रही है, ठीक है, स्क्रीनिंग से ब्लड प्रेशर लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं और बेसिक उनके पल्स लेते हैं, ये सारे स्क्रीनिंग सेक्शन हैं, ये सारे स्क्रीन हो रहे हैं। आपने आगे जाना है, आगे मैं आपको बताऊँ, आपने आगे जाना है, अरे बेड्स लगे हुए हैं, चेयर्स भी लगी हुई हैं, आप थोड़ा 15-20 मिनट बैठ जाए, ठीक है, बैठेंगे फिर आपको आपसे रिसीव लेके वापस रहेंगे जाए। आपने वैक्सीन करवाई है, कैसा प्रोसेस लगा आपको? जी, बहुत अच्छा प्रोसेस है और बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ का। तो कितना टाइम आपको लगा, आपको इंतजार करना पड़ा? नो, मेरा मैक्सिमम मेरा ख्याल है 10 मिनट में। बेहतर इंतजाम, बहुत अच्छा इंतजाम है जी। जी, आपकी वैक्सीन हो गई है और कैसा प्रोसेस आपको लगा? बहुत बहुत अच्छा है जी, बेहतरीन है, आते ही आए हैं, पर्ची बनवाई है और वैक्सीन हो गई है, बस किसी से सिफारिश करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई जरूरत किसी किस्म की भी नहीं जरूरत पड़ी। अच्छा जी, बताएं कैसा वैक्सीन होगी आपकी, कैसे इंतजाम लगे आपको? नहीं, माशाल्लाह बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही, हमें पता ही नहीं चला, बल्कि मैं तो समझ रहा हूँ कि ये पाकिस्तान से मैं हूँ या बाहर हूँ, इतना बेहतरीन इन्होंने, जब से जब वहाँ से पार्किंग से निकल के और यहाँ तक जगह जगह पर उन्होंने हमें जो सहूलत दी, दिल से दुआएं भी निकलती हैं। तो आप क्या कहेंगे कि लोगों को वैक्सीन फिर करवानी चाहिए? ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, बहुत बेहतर है, करानी चाहिए, ज़िंदगी से बेहतर चीज़ और कोई नहीं, और अपनी हिफाजत ज़रूरी है। तो जो बड़े कहते हैं, पढ़े लिखे कहते हैं, तो करना है तो करनी है, बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन अपनी कोशिश यही होनी चाहिए कि सब करें, अपने वक्त पे करें। मैं तो सब दोस्तों को, सबको यही कहूँगा कि ज़रूर करानी चाहिए। सर, आप एक्सपो में अब तक कितने लोगों की वैक्सीन हो चुकी है और कितनी कैपेसिटी है जो रोज़ाना की बुनियाद पे आप कर सकते हैं और हो कितना रहा है? देखिए, तकरीबन 20 दिन होने वाले हैं और हो गए हैं,
और इसके साथ साथ 97,000 कल तक हमारा फिगर था, हमने टोटल लाहौर में केटर फॉर किया है। सो ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है। हमारी इस टाइम कैपेसिटी तकरीबन 20,000 से 25,000 की है और हम इसे फर्दर एक्सपेंड भी कर सकते हैं अगर यहाँ पर ज़रूरत पड़ी, लेकिन फ़िलहाल एवरेज 7,000-1,000 हमारे 6,000 से 7,000 लोग हमारे पास डेली आ रहे हैं। सो एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट है, इस पर बहुत सा स्टाफ 650 से ज़्यादा सिर्फ हेल्थ वर्कर्स हमारे डिप्लॉय हैं, 8 से 10 महकमे मजीद हमारे काम कर रहे हैं, पुलिस है, सिविल डिफेंस बहुत अच्छा काम कर रही है, ली पार्किंग कंपनी है, कॉरपोरेशन के लोग हैं, हमारे रेवेन्यू स्टाफ है, बेपना लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत मैसिव एक अरेंजमेंट है, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम फैसिलिटेट करें, क्योंकि सीनियर सिटीजन हैं, 60 साल से ऊपर लोग अभी वैक्सीनेट हो रहे हैं, तो हम मैक्सिमम उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक आम आदमी के लिए बताइएगा कि बहुत से लोगों के जहन में खदशात हैं कि शायद वैक्सीन करवाने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और शायद उस तरह से जितना आपने रोज़ाना की बुनियाद पर अरेंजमेंट किया हुआ है उतनी ज़्यादा तादाद में लोग आ नहीं रहे हैं। देखिए, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है, पहले हमने पिन कोड से ये स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में देखा कि लोग वैसे आने स्टार्ट हो गए। अब 60 साल से ऊपर का शख्स अगर वैसे आता है, पिन कोड नहीं भी है, तो हम उसे एंटरटेन करना पड़ता है, क्योंकि उसको वापस भेजना मुनासिब नहीं था, हमने अपनी पॉलिसी को चेंज किया। जो खदशात हैं लोगों के जहनों में, देखें एक साल हो गया कोविड को और वैक्सीन अब दस्तयाब है, जो हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है, जो ये ऑब्वियसली डेवलपिंग फील्ड है, यूजली वैक्सीन बहुत अरसे बाद आती है, लेकिन जो वैक्सीन आई है ये इसको लगते हुए भी काफ़ी अरसा हो गया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि हमने यहाँ पर 97,000 लोगों को लगाया, हमारे पास नॉट अ सिंगल केस हैज़ बिन रिपोर्टेड सो फार ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन या उसके अंदर कोई मसला बना हो। इस तरह पूरी दुनिया के अंदर ये वैक्सीन लग रही है, इफ़ेक्टिव वैक्सीन है, इसकी एफिकेसी इज़ वेरी हाई नाउ, जो अभी ट्रायल्स के बाद जब ये लगी है तो इसकी एफिकेसी ज़्यादा अच्छी आई है। सो मुख्तलिफ लोगों ने लगवाई है, मैंने अपनी वालदा खुद लगवाई है वैक्सीन, हमारे मिनिस्टर जो एडवाइज़र हेल्थ हैं फैसल सुल्तान साहब, वो अपने पेरेंट्स को यहाँ पर लेकर आए हुए थे, फैमिली को लेकर आए हुए थे। सो ये सारे लोग आ रहे हैं, ये जस्ट खदशात हैं। सो मेरी बल्कि आपके तवस्सुल से गुजारिश भी है तमाम सीनियर सिटीजन से कि वो वल्नरेबल हैं ज़्यादा, तो वो ज़रूर वैक्सीन लगवा लें। अच्छा, आपने बताया कि तकरीबन 90,000 के करीब अब तक लोग जो हैं वैक्सीन करवा चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले इसी रफ्तार से अगर रहता है तो आने वाले कितने दिनों में आपकी वैक्सीन की कैपेसिटी जो है वो मज़ीद बढ़ सकेगी? देखिए, हमें ये ऑपरेशन तो साल एक चलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सीनियर सिटीजन नहीं है, उसके बाद अभी 50 से ऊपर की जो एज है उनको भी अलाउ कर दिया गया है, उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उनको इतला मिल जाएगी कब उनकी वैक्सीनेशन होनी है, लेकिन अभी तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन चल रही है। सो ये उसके बाद नीचे भी आना है, तो हम ये मैसिव ऑपरेशन है, इस पर बहुत सा टाइम भी चाहिए, बहुत सी वैक्सीन भी चाहिए, वैक्सीन की डिमांड बड़ी हाई है पूरी दुनिया के अंदर, सप्लाई लिमिटेड है। सो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लेकिन इंशाल्लाह जो पॉलिसी गवर्नमेंट की है बड़ी अच्छी है कि पहले वल्नरेबल, जो मोस्ट वल्नरेबल हमारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, उनको पहले वैक्सीनेट किया जाए, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी एरियाज़ में जाया जाए। अफजल साहब, ये भी बताइएगा कि 60 साल से कम लोगों को कब तक वैक्सीन का आगाज़ हो जाएगा? जल्दी इंशाल्लाह करेंगे, 50 साल से ऊपर जो लोग हैं अभी उनकी बारी है, उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन के बाद गवर्नमेंट फैसला करेगी, इमीडिएटली फिर हम वैक्सीनेशन की भी स्टार्ट कर देंगे, एंड आहिस्ता आहिस्ता फिर ये नीचे एज ब्रैकेट्स में आएगा। सर, ये पंजाब रोज़गार स्कीम और इंसाफ सस्ती मोबाइल शॉप क्या है? देखिए, ये अभी कॉन्सेप्ट अभी अप्रूव हुआ है और इसके तहत हम लाहौर के तकरीबन 200 ऐसी सस्ती मोबाइल शॉप्स में हैं
जिनमें सब्ज़ी फ्रूट और इस तरह की अशिया होंगी वो हम मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर पूरे लाहौर में इनको लेकर जाएंगे। ये जो हमारे आम लोग हैं जो ऑलरेडी ये बिजनेसेस कर रहे थे उनको बाकायदा हम रेगुलेट करने लगे हैं, तो उनको फैसिलिटेट भी करेंगे, उनको बहुत सस्ते दामों चीज़ें हम दिलवाएंगे और उसके साथ साथ इसमें गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी नहीं है, लेकिन हम प्रोसेस ऐसा है हमारा कि उसके ज़रिए हम इन लोगों को सस्ती अशिया दिलवाएंगे और अच्छी क्वालिटी की अशिया होंगी और ये एरियाज एलोकेट होंगे। ये जो सस्ती मोबाइल शॉप है इसको आप मॉनिटर कैसे करेंगे कि आगे जाने वालों को भी क्या उसी रेट में ये चीज़ें? तो इनके इनको हम बाकायदा जियो टैग भी कर रहे हैं साथ साथ और मोबाइल ऐप्स भी हमारे अवेलेबल है, उनके ज़रिए भी इनको हम देखेंगे, हमारी टीम्स होंगी जो इनके साथ इन टच होंगी, इनको लेके जाएंगी और वहाँ पर इनको मॉनिटर भी करेंगी। सो ये अभी कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम लॉन्च करेंगे विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, फिर आप देखेंगे कि इसका काफ़ी इफेक्ट आएगा। दरअसल साहब, आपने जैसे यहाँ पे टमाटर महंगा बिकने पे 1,00,000 रुपये जुर्माना किया, पिछली दुकान पे भी आपने 50,000 रुपये किया, तो क्या वजह है कि प्राइस लिस्ट लगी भी हुई है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते दुकानदार? देखिए ये तो बहुत जुल्म है, ये जो भी आपने टमाटर की क्वालिटी यहाँ पर देखी है और ये क्वालिटी इतना ही पुअर है, तीसरे दर्जे की क्वालिटी भी नहीं है। इसकी कीमत 20-25 रुपये होनी चाहिए थी, इन्होंने 60 रुपये लगाई हुई है, तो इस पर तो बिल्कुल, और ये बड़ी शॉप है, बहुत बड़ी इनका स्टोर है, यहाँ पर तो लोग आते हैं और ख़रीदते भी हैं, लोग ज़्यादा आते हैं, तो बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, प्याज भी इस तरह डबल कीमत पे लगाया हुआ है प्याज भी इन्होंने, तो इस तरह के हमारा हल यही है कानून के मुताबिक कि पर्चा किया जाए, उनको पकड़ा जाए और वायलेशंस के ऊपर अभी माफ़ी को नहीं हम दे रहे। हमने पिछले कोई एक महीने के अंदर 80 से 90 लाख रुपये जुर्माना किया है इन्हीं कार्रवाइयों के ज़रिए, और बहुत सी FIRs हुई हैं, 500 FIRs कर चुके हैं। सो वॉलेशंस हम कंट्रोल करने की कोशिश कर, रेट डिस्प्ले जो है वो हमने इंश्योर किया, वो डिस्प्ले यहाँ भी हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली जो रेट्स की वॉलेशन है, जो ज़्यादा कीमत है, उसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। सर, हर एक शख्स जो है एक बात का गिला करता है, शिकवा करता है कि महंगाई बहुत हो गई है, जिस तरह से यहाँ पे डबल रेट लगे हुए हैं, तो क्या ये डिसक्रेडिट में नहीं हुकूमत के जाती अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं? देखिए, जहाँ वॉलेशन रिपोर्ट होती है कार्रवाई फौरी तौर पर हम करते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका सीजनल इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो टमाटर, यही टमाटर 200 रुपये पहले था आज से 1.5-2 महीने पहले, लेकिन नीचे आया, अब ये 40 को टच किया है, 30s और 40s में टच किया है, तो प्याज भी 80 से नीचे आया है, 20-30 के ऊपर, इस तरह तमाम सब्जियां नीचे आई हैं, फल भी नीचे आया, उसकी प्राइसेस भी बहुत बेहतर हुई हैं। अब सिर्फ ये है कि हम रेट डिस्प्ले पे और साथ वॉलेशन जो उससे कितनी ज़्यादा वो डिविएशन कर रहे हैं उस पर हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हमारे 48 मैजिस्ट्रेट्स हैं वो कम है, हमने रिक्वेस्ट की हुई है गवर्नमेंट से कि हमें मैजिस्ट्रेट ज़्यादा चाहिए, तो 100 के करीब मैजिस्ट्रेट चाहिए इस शहर के लिए, तो कमिटमेंट हमसे की हुई है ACS होम ने भी और डिपार्टमेंट ने कि हम आपको मैजिस्ट्रेट्स ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, उससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी।
मुख्तसर साहब, रोज़ाना की बुनियाद पर आपके पास ऑफिस में कितने लोग आते हैं और इसके लिए बड़ा दर्द दिल रखना पड़ता है कि उन लोगों को हमने देखा कि आप मिलते हैं और फौरी तौर पर अहकाम जारी करते हैं उनके दाद रसी के लिए? जी, लोग हमारा डोर्स ओपन होते हैं और ओपन डोर पॉलिसी है, कोई भी शख्स एंटर हो सकता है, सो तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है और कभी तो 100 को भी क्रॉस कर जाती है। सो पब्लिक डीलिंग जो है ये डिफ़िकल्ट काम है ऑब्वियसली, लेकिन उसमें आपको टेम्परामेंट को भी देखना पड़ता है और मुख्तलिफ नोयत के मसाइल होते हैं, उनको उस लिहाज से फिर रिजॉल्व करना पड़ता है। कोशिश यही होती है कि हर बंदे को सुना जाए, उसकी बात सली से सुन के और कानून के मुताबिक उस पर इंस्ट्रक्शंस पास की जाएँ और नीचे जो जितने भी हमारे महकमा जात हैं या हमारे ऑफिसर्स हैं उनको मेरी ये डायरेक्शन होती है कि इमीडिएटली आप इस पे इस इशू को रिजॉल्व करके मुझे तक रिपोर्ट करें। अच्छा सर, किस तरह की शिकायत आपको मौसूल होती हैं? क्या ज़मीन के तनाज़ात होते हैं, क्या लोगों की मसाइल क्या नोयत है? बहुत वैरायटी वाला काम है तो उसमें हर किस्म की शिकायत आती हैं, हर किस्म के मसाइल होती हैं। ज़मीन से मुतलिक मसाइल हैं, विरासत से मुतलिक मसाइल हैं, साथ साथ पीने के पानी से मुतलिक मसाइल हैं, सीवरेज के इशूज़ हैं, इंक्रोचमेंट के इश्यूज़ हैं, प्राइस के इश्यूज़ हैं, इवन मज़हबी नोयत के जो मसाइल हैं वो होते हैं। तो मुख्तलिफ हर किस्म के लोग आते हैं, ज़्यादातर मसले जो हैं वो ज़मीन से मुतलिक होते हैं। अच्छा सर, आम आदमी एक हर आप आदमी वो शिकायत करता है कि सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते हैं लेकिन काम उस तरह से नहीं होता है, तो इसके लिए भी आपने कोई इस बात को कि जो शख्स आपके पास आए उसकी दादरसी हो, उसका मसला हल हो, तो कोई स्पेशल आपने कोई कमेटी बनाई हुई है या तमाम चीज़ों को आप खुद ही लुक आफ्टर करते हैं? देखिए, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क किया हुआ है, लेकिन जो मेरे पास आता है मेरी कोशिश होती है मैं उसे खुद देखूँ। एक डेडिकेटेड हमने 2-3 अपने ऑफिसर्स मेरे साथ में रखता हूँ, वो उनके फ़ोन नंबर्स पर खुद बात करते हैं उनसे, उनको गाय बगाए फीडबैक भी देते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेते भी हैं। सो पटवारी हो या तहसीलदार हो या कोई महकमे का अफसर हो, जब मैं उन शख्स को नेक्स्ट टाइम बुलाता हूँ तो उनको भी साथ बुलाता हूँ कि आके इनके सामने जवाब दें कि आपने अभी तक मसला हल क्यों नहीं किया। अच्छा सर, लाहौर का एक सबसे बड़ा इशू ये है कि तजावजात जो हैं उसके ऊपर बड़े इशूज़ रहते हैं, लोगों के मसाइल भी उससे होते हैं, ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम जो है वो उससे ही रहता है। ट्रैफिक पुलिस से अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि ये तजावजात की वजह से ख़ासकर अंदरून शहर में ये मामला होते हैं, तो इसके लिए भी कुछ कर रहे हैं आप? देखें, तजावजात एक है टेम्परेरी नोयत की और एक है परमानेंट नोयत की। परमानेंट तजावजात जो हैं उनके ख़िलाफ़ ऑब्वियसली एक तरीक़ाकार है, उसके तहत हम कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन जो टेम्परेरी तजावजात हैं उसको वो बड़ा ट्रिकी इशू है। अब जो अगर हैंड कार्ड्स रेडी वाले ले लें या अब इनको आप जितना भी हटाएं ये हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं यहाँ पर, और जब तक मेरे अपना गवर्नमेंट की पॉलिसी तो है कि एक हमने एक हद तक डेटनेस रखना है, लेकिन हमने इनको बेरोज़गार भी नहीं करना, गरीब लोग हैं, हमने तरीके से इनको हैंडल करना होता है, मैनेज करना होता है। उसका सोल्यूशन यही है कि उनको कोई ऐसी जगह दी जाए जहाँ पर इनको ले कर जाया जाए, इंस्टेड ऑफ़ कि ये हर जगह पर मौजूद हों। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 30-40 हज़ार लोग यहाँ पर रेडी वाले अगर हुए जिनके उनके फैमिलीज़ देख लें, फैमिलीज़ अगर आप मिला लें तो फैमिलीज़ कितनी बनेंगी, तो इतने लोगों को रोज़गार देना, उनसे रोज़गार छीनना, वो भी एक इशू है, ट्रिकी इशू है, ट्रेड ऑफ है बेसिकली। एक तरफ अगर हम अपनी साइड देखें, रेगुलेशन की साइड देखें, तो उसमें तो यस हमने उनको हटाना है, लेकिन हम आज तक फ्रेंकली हटा नहीं सके इन सबको। एक दूसरा पहलू भी है इसका अवेलेबल, सो हमने इसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है, बीच में देखना होता है, लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि तजावजात को प्रमोट किया जाए, वो हमने रोकना होता है, हम कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, करते रहेंगे, लेकिन हमने साथ साथ उनको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना है। लाहौर को सर मुकम्मल तौर पर साफ कब से रखा जाएगा? आए रोज़ ये मसाइल सुनने में आते हैं कि लाहौर बड़ा गंदा। देखिए, सफाई का ये बात मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ, कंपनीज़ की है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका बोर्ड सेपरेट बोर्ड काम करता है और उसके चेयरमैन हैं, CEO अलहदा हैं। सवाल डिप्टी कमिश्नर से होता है क्योंकि मैं गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ ज़िले के अंदर, तो हमने उस पर काफ़ी काम भी किया है फ्रेंकली,
अभी हालात वो नहीं हैं जो आज से 10 दिन पहले थे, बहुत बेहतर हालात हो चुके हैं और इंशाल्लाह ये इम्प्रूव करेंगे। बड़े बड़े जो फैसले थे वो 10 साल के बाद हमने लिए हैं उन बोर्ड के अंदर, जिसमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, सीईओ जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सो उसमें फैसला ये कर लिया गया है कि अब हमने मशीनरी परचेज़ करनी है और नई मशीनरी के साथ हमने इसको आगे लेके चलना है। पहले कॉन्ट्रेक्चुअल इशू थे, लीगल कानूनी मसाइल थे, जिसकी वजह से टर्किश कंपनी के साथ जो इशूज़ बने हुए थे वो बहरहाल अब सेटल हो गए। अब हम अगले फेज़ की तरफ हैं, फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी ये हफ्ता डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर ये ज़ीरो वेस्ट जो है वो हो जाएगा और उसके साथ साथ फिर ये जो नई जो पॉलिसी है नई मशीनरी परचेज़ करने की और उसको डिप्लॉय करने की, वो भी इंशाल्लाह प्रोसेस जो है 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर लेंगे।